आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ग्लैमर लाइफ फिल्म्स एवं ITHM संस्थान और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संयुक्त बैनर तले जेपी सभागार में 3 दिवसीय GTF 2021 फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल में दूसरे दिन जेपी सभागार में विभिन्न देशों से आई कई फीचर फिल्में ज्यूरी मेंबर्स के सामने प्रदर्शित की गईं। ग्लैमर लाइफ फिल्म्स एवं ITHM संस्थान और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संयुक्त बैनर तले जेपी सभागार में 3 दिवसीय GTF 2021 फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। फेस्टिवल के दूसरे दिन जेपी सभागार में विभिन्न देशों से आई कई फीचर फिल्में ज्यूरी मेंबर्स के सामने प्रदर्शित की गईं। मैं तो लेने आया हूँ, भेजना पड़ेगा, ये रीति रिवाज की कोई चीज हो गया है। GTF 2021 फिल्म फेस्टिवल पैटर्न और आरे मूवीज के अध्यक्ष रंजीत सामा ने बताया कि ताज नगरी में संस्था का ये तीसरा फिल्म फेस्टिवल है। आज 6 फीचर फिल्म दर्शकों को दिखाई गई है। फिल्म फेस्टिवल में शहर के दर्शकों की कम संख्या को लेकर सामा उदास नजर आए। उन्होंने दर्शकों से फिल्म फेस्टिवल में आने की अपील की। आज फेस्टिवल का दूसरा दिन है और इस समय तक हम करीब 6 फिल्मों का दिखा चुके हैं और आज के उद्घाटन का सत्र माननीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, जो उत्तर से विधायक हैं, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया है। बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, लेकिन आगरा की जनता से शिकायत है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है हमको। आज फिल्मों का चयन हो रहा है, आज करीब करीब 10 से 12 फिल्में हम दिखाएंगे। फिल्म फेस्टिवल के जरिए एक ऐसी सांस्कृतिक माहौल बनाया गया है, इससे हर व्यक्ति आह्लादित है, प्रसन्न है, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला जो लगातार बंद सी हो गई थी वो पुनः चालू हुई है कोरोना के बाद में, और इस फिल्म फेस्टिवल के जरिए पुरानी फिल्में, नई फिल्में, शॉर्ट फिल्में दिखाई जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, उससे एक सांस्कृतिक चेतना जागृत हो रही है। GTF 2021 फिल्म फेस्टिवल में 8 देशों की 1 दर्जन से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन 3 दिनों में किया जाएगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।